नमस्कार। हम सब जानते हैं फिजिकल मूवमेंट की कमी के कारण हमारे पैरों, घुटनों या शरीर में कहीं पर भी दर्द हो सकता है, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि सारा दिन हम अपने हाथों से काम करते हैं फिर भी हमारी उंगलियों, कलाई, कोहनी, कंधों में दर्द हो जाता है। कई बार हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हमारी उंगलियों और हाथों की मूवमेंट बहुत अधिक होती है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप पर काम करते हैं या नीटिंग कर रहे होते हैं तो भी हमारी उंगलियों के ऊपर दबाव बना रहता है। इसके कारण हमारी उंगलियों में अकड़न या सुन्नपन आने लगता है। जब हम सोकर उठते हैं और अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे मोड़ना चाहते हैं तो वो ठीक प्रकार से मुड़ नहीं पाती, वो अकड़ी हुई महसूस होती हैं। कई बार हमारी कलाइयों में दर्द होता है, हम कुछ उठाने लगते हैं तो उठा नहीं पाते। अगर हम दरवाजे के हैंडल को घुमाते हैं तो भी कलाई में दर्द महसूस करते हैं, चाबी को घुमाते हैं ताले में तो भी कलाई में दर्द महसूस होता है। कई बार हमें कोहनी में और कंधों में भी दर्द महसूस होता है। कई बार हम अपने कंधों को जब ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमें कंधों में दर्द महसूस होता है। अगर आपको भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो आज से ही छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं और ऐसे व्यायाम करना शुरू करें जो हमारे हाथों की मूवमेंट को ठीक प्रकार से बनाए रखे, हमारी अकड़न और जकड़न को दूर करे तथा हमारे ज्वाइंट्स को मजबूत कर सके। ये जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, इनके कई कारण हो सकते हैं। कई बार चोट लगने के कारण हाथों में दर्द हो जाती है, कई बार गठिया होने से भी हमारे हाथों में दर्द हो सकती है, कई बार ज्वाइंट्स के आसपास की मांसपेशियों में कमजोरी या स्वेलिंग के कारण भी हाथों में दर्द होती है, कई बार एज बढ़ने के कारण भी हाथों में दर्द हो सकती है, लचीलापन कम हो जाता है और हाथों की पकड़ कमजोर होने लगती है। मोटर स्किल्स मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आज हम कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं करके देखेंगे जो हमें गठिया से तो दूर रखेंगी ही, साथ ही कार्पल टनल सिंड्रोम से भी दूर रखने में हमारी मदद करेंगी। अगर आप इस तरह वज्रासन में बैठकर नहीं कर सकते तो आप किसी भी आसन में बैठकर कर सकते हैं। जिस आसन में आप सुविधा से बैठ सकें उसी आसन में बैठकर करें। अगर आप जमीन पर बैठकर नहीं कर सकते तो आप चेयर पे, बेड पर, कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। किसी भी समय इन एक्सरसाइज को किया जा सकता है। काम करते हुए भी अगर आपकी उंगलियों में थकान महसूस हो तो इन एक्सरसाइज को आसानी से किया जा सकता है। उंगलियों की मूवमेंट ठीक प्रकार से होती रहे और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, इसके लिए ये एक्सरसाइज रेगुलरली करना शुरू कर दें। अपनी हाथों को खोलें, मुट्ठी बंद करें, जोर से मुट्ठी को दबाकर रखें, फिर खोलें, पूरा उंगलियों को बाहर की तरफ खोलें, फिर से बंद करें, खोलें, बार बार बंद करें, बार बार खोलें, कम से कम 10 बार जरूर करें। ध्यान रखें जब आप उंगलियों को बंद कर रहे हैं तो पूरी तरह से बंद करें और खोल रहे हैं तो इनको पीछे की तरफ पूरी तरह से खींच कर रखें। यही क्रिया हम अंगूठा बंद करके करेंगे। अंगूठे को अंदर लें और फिर उंगलियों को ऐसे बंद करें। दोनों हाथों से इसी प्रकार करेंगे, अंगूठा अंदर बंद, उंगलियां ऊपर से बंद, दबाएं जोर से, पूरा खोल दें, जोर से दबाएं, पूरा खोलें, दबाएं, खोलें। सामान्य श्वास के साथ यह क्रिया भी कम से कम 10 बार करें। एक और एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाती हूं। जैसे हम बॉल से अपने हाथों को दबाते हैं, इसी तरह आप अपने हाथों में कोई भी चीज ले लें, सॉक्स लेकर एक गोला बना लें इस तरह से। ये सॉक्स का गोला बनाया है, इसको बॉल की तरह से ऐसे पकड़कर रखें अपनी उंगलियों के बीच में, इसको दबाएं जोर से, फिर उंगलियां खोलें, फिर दबाएं, खोलें। यह क्रिया भी कम से कम 10-10 बार करें दोनों हाथों से। दूसरे हाथ से भी दबाएं, खोलें, दबाएं, खोलें। उंगलियों की मूवमेंट के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक और एक्सरसाइज हम करके देखेंगे।
कपड़े सुखाने की चिमटी जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, छोटी है लंबी है कोई भी आप ले, अपनी पहली उंगली और अंगूठे से इसको इस तरह से पकड़ें, अंगूठा और उंगली को दबाएं, चिमटी को आगे से खोलें, फिर बंद करें, फिर दबाएं, फिर खोलें। इसी प्रकार दूसरी उंगली से ऐसा करें, दबाएं खोलें, दबाएं खोलें। हर उंगली से कम 5-5 बार ये मूवमेंट जरूर करें, दबाएं खोलें। छोटी उंगली से भी इसे ऐसी करें। छोटी उंगली से जब हम करते हैं तो थोड़ा प्रेशर कम लगता है, लेकिन अभ्यास करने के साथ साथ ये मूवमेंट भी आप करते चले जाएंगे। दूसरे हाथ की उंगलियों से भी इसी प्रकार करें, दबाएं खोलें, सामने से खुलेगी पीछे से आप दबाएंगे। दूसरी उंगली से करें, इसी प्रकार तीसरी उंगली से करें, इसी प्रकार छोटी उंगली से करें। बार बार इसे दबाएं, पीछे से जब आप दबाएंगे तो आगे से खुलेगी, दबाएं खोलें। बार बार इस मूवमेंट को करें, दोनों हाथों की सभी उंगलियों की मूवमेंट इस प्रकार से कर लें। हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिल जाती हैं जिसके लिए हमें बाजार जाकर कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती, और इन्हीं चीजों से एक्सरसाइज करते हुए हमारा काम चल जाता है। लेकिन ये एक्सरसाइज हर रोज करनी है और बार बार करनी है। अब मैं एक एक्सरसाइज रबड़ बैंड लेकर आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह ये छोटे छोटे रबड़ बैंड हमारे घर में मिल जाते हैं, इसको अपनी उंगली पर इस तरह से पहनाएं कि सारी उंगलियां पहले कोरे या नाखून के पास इस तरह से आ जाए। इन उंगलियों को बंद करें, फिर खोलें, बंद करें, फिर खोलें। धीरे धीरे बार बार जब आप इस एक्सरसाइज को करती हैं तो हमारी उंगलियों की मांसपेशियां तो खिंचाव में आती ही हैं। आप महसूस करेंगे कि हाथ के यहां तक की मांसपेशियां खिंचाव में आ रही हैं। कम से कम एक हाथ से 10 बार जरूर करें। अब यही क्रिया दूसरे हाथ से करें, इसी तरह रबड़ बैंड दूसरे हाथ पर चढ़ा लें और धीरे धीरे इन उंगलियों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। सामान्य श्वास के साथ इस एक्सरसाइज को बार बार करें, पूरी मांसपेशियां खिंचाव में, उंगली के ऊपर पौरे से लेकर नीचे तक पूरी मांसपेशियां खिंचाव में आती हैं। अपने हाथों को सामने की ओर करें, ऐसे मुट्ठी को बंद करें। इस मुट्ठी को बंद करते धीरे धीरे अपनी कलाइयों को ऐसे गोल गोल घुमाएं। जब हम इस तरह से अपनी मुट्ठियों को कलाइयों के भाग से गोल गोल घुमाते हैं तो मुट्ठी की उंगलियों के साथ साथ कलाई की भी अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो जाती है। एक साइड में कम से कम 10 बार जरूर करें। अब यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे, धीरे धीरे पूरी मुट्ठी गोल घूमें, करते जाएं। इस तरह ये एक्सरसाइज पूरी कर लें। अब एक एक्सरसाइज हम और करके देखेंगे। अपने एक हाथ को सामने की तरफ रखें, दूसरे हाथ से इस हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर खींचें। अब इनको नीचे की ओर करें तो इसको नीचे की ओर खींचें। यही एक्सरसाइज करनी है बार बार। उंगलियां ऊपर, दूसरे हाथ से पीछे की ओर खींचें, फिर उंगलियां नीचे, इस हाथ से अंदर की ओर उंगलियां खींचें। बार बार ये एक्सरसाइज करने से हमारी उंगलियों की मूवमेंट भी होगी और कलाई की मांसपेशियां भी मजबूत बनेंगी। बार बार करें, कम से कम 5-10 बार अपनी क्षमता के अनुसार इसको करते जाएं। इसको करते हुए अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। अब यही क्रिया दूसरे हाथ से करके देखते हैं। बाएं हाथ को सीधा करेंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की उंगलियां पकड़ेंगे और पीछे की ओर खींचेंगे कंधे की तरफ। नीचे करेंगे उंगलियां, दाएं हाथ से बाजू की तरफ इन उंगलियों को अंदर की तरफ खींचेंगे। उंगलियां सीधी ऊपर की ओर, दूसरे हाथ से कंधे की ओर खींचेंगे। कई बार हमारे हाथ की उंगलियों में, कोहनियों में, कलाई में टक टक की आवाज भी होने लगती है। ये एक्सरसाइज करने से ये आवाजें भी ठीक होती हैं और यहाँ जो हमारे जॉइंट्स हैं वो भी ठीक रहते हैं, वो भी मजबूत बनते हैं। दोनों हाथों से
कम से कम 5 से 10 बार ये एक्सरसाइज हमें जरूर करनी है। अब एक और एक्सरसाइज हम करके देखेंगे। अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे मिलाएं, कंधे पर रखें। सांस भरते हुए भी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और सामान्य सांस के साथ भी। मान लो हमने अपने हाथों को सीधा किया है, उंगलियों को मिलाते हुए सांस भरते हुए कंधे पर रखा ऐसे। अब सांस फेंकते हुए अपने हाथों को सामने की ओर सीधा करेंगे। ये मूवमेंट, ये एक्सरसाइज भी हमें कम से कम 5 से 10 बार जरूर करनी है। अब अपने हाथों की उंगलियों को इसी प्रकार से मिलाते हुए धीरे धीरे अपने कंधों के ऊपर रखेंगे, कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए धीरे धीरे पीछे से कोहनियों को लेके आएंगे गोल घुमाते हुए। जब हम आगे से लेकर जाएंगे तो कोहनियों को इस तरह से मिलाएंगे, फिर ऊपर लेकर जाएंगे और साइड से लाते हुए नीचे करेंगे। यही क्रिया हमें कम से कम 5 बार आगे की तरफ करनी है। बार बार करेंगे और इसी तरह यही क्रिया हमें पीछे से आगे की तरफ करनी है कम से कम 5 बार। अब अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ से ले जाते हुए, जब हम कोहनियों को ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे कंधे के जोड़ खुलते हैं, ऐसे कंधे पीछे की ओर होते हैं, सीना आगे की ओर आता है। देखिए साइड से करके बताती हूं। जब हम पीछे लेके गए हैं आप देखेंगे यहां कंधे के जोड़ पूरे के पूरे, देखिए इसको पीछे की तरफ से लाएंगे, ऊपर भुजाएं कानों के साथ सटी हुई, सामने से कोहनियां मिली हुई, ऐसे हमें इस एक्सरसाइज को बार बार करना है। एक एक्सरसाइज और करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे सीने के सामने, दोनों हाथ मिले हुए, और फिर इनको ऐसे हमें पीछे लेके जाना है। सीना बाहर की ओर निकलेगा, कोहनियां पीछे की तरफ जाएंगी, कंधों के भाग से पीछे की तरफ खिंचाव महसूस होगा, ऐसे कंधे के जोड़ खुलते हैं इसके करने से। करके देखते हैं, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे। ये एक्सरसाइज भी कम से कम 5 से 10 बार जरूर करनी है। उंगलियों, कलाई, कोहनियों और कंधों की मूवमेंट ठीक प्रकार से होती रहे, इनमें लचीलापन बना रहे, ये मजबूत बनी रहे, इसके लिए इन एक्सरसाइज का रेगुलरली अभ्यास करते रहें। योग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।